Introduction to e-commerce. We already learned four definitions of the e-commerce and application of the e-commerce and little bit point about advantage and limitation of the e-commerce. Let us start for session number 4. Session number 4 ke inside advantage and limitation of the e-commerce ke baare mein clarify karna hai. Jaise humne application ke baare mein clarify kiya, uski website ka example ke sath practical mein dekha. और ट्रेडिशनल ई कॉमर्स एंड वर्सेस ई कॉमर्स के बारे में और भी ये सेशन के अंदर क्लैरिफाई करने वाले हैं और उसका बेनिफिट ई कॉमर्स का इंडिया में क्या हुआ, पर्टिकुलर स्पेशली सीओडी जैसे मैकेनिज्म को ऐड करना पड़ा और ये सब कुछ स्टडी करने के बाद बट ओवेस उसके एडवांटेज भी हो गए और जिसका एडवांटेज है उसका लिमिटेशन भी होता है, तो उसका हम वन बाय वन पॉइंट नोट डाउन करके और क्लैरिफाई करेंगे. Let us start for session number 4. Traditional commerce versus e-commerce के बारे में हमने clarify किया. जैसे example दो, जैसे traditional commerce के अंदर क्या होता है, जो भी product है वो physically आपको यहाँ पे display होती है, उसमें से आपको choice करनी है, आप उसको analysis करेंगे, touch कर सकते हो, feel कर सकते हो और उसका भी enjoyment होता है. But e-commerce में ऐसा कुछ नहीं है, only for product की image देखिए मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर और उसको ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लीजिए. दोनों में यहाँ पे यही डिफरेंट है. बट मैं आपको ई कॉमर्स की डेफिनेशन के इनसाइड उसके थ्री रूल्स सेशन वन के अंदर मैंने आपको इन्फॉर्म किए थे, अगेन मैं आपको रिमाइंडर करवा दूँ. जब भी ई कॉमर्स लर्न कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और इंटरनेट का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है. और यहाँ पे इंटरनेट की कैसे बात करनी है, आपको ब्रॉडबैंड की और लास्ट वन वेबसाइट के बारे में हमको क्लैरिफाई करना है. नेक्स्ट पॉइंट देखें, ई कॉमर्स इंडिया में आने की वजह से क्या बेनिफिट हुआ, तो जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया, जैसे यहाँ पे लॉट्स ऑफ न्यू वेबसाइट भी लॉन्च होने लगी इंडिया के मार्केट के अंदर, स्पीड से डिलीवरी होने लगी. ओके, हम घर बैठे बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसे यूज़ करने लगे, घर पे बैठे बैठे हमको सब कुछ सर्विस मिल जाती है और पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करवा सकते हो और बाय और सेलिंग का भी प्रोसेस हो सकता है. डे बाय डे यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका रेशियो प्लस होते जा रहा है, एज वेल एज आपके स्पेशली इंडिया में. ओके, और लैपटॉप और टैबलेट एज वेल एज स्मार्टफोन के यूज़र भी प्लस होते जा रहे हैं और हमको वैरायटी ऑफ द शॉपिंग की भी अवेलेबल है. ये सब कुछ किसके थ्रू हुआ है, पॉसिबल ई कॉमर्स के थ्रू. जैसे हम उसके पहले एडवांटेज लर्न करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम डिसएडवांटेज लर्न करने वाले हैं. हमने अभी तक जो भी पॉइंट क्लैरिफाई किया था वो तो क्या था, ओनली फॉर पॉइंट था, अभी और भी डेप्थ में हम स्टडी करेंगे. एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ग्रोथ द इंटरनेट. हमारे यहाँ पे इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, लॉट्स ऑफ कंपनी फाइंड आउट कर रहा है और न्यू बिजनेस को एक्सपांड करने की ट्राई कर रहा है. वो पूरा बिजनेस किसके साइड डाइवर्ट करेंगे, ई कॉमर्स साइड. जैसे हमारे यहाँ पे अमेजोन सबसे पहले था, अमेजोन का थोड़ा सा आइडिया लेके हमारे इंडिया की खुद की वेबसाइट थी फ्लिपकार्ट, वो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसने दूसरी कंपनी ने हायर कर लिया. नेक्स्ट, टुडे वी कैन हार्डली फाइंड आउट द सक्सेसफुली कंपनीज विच डू नॉट यूज द कंप्यूटर. अभी एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जहाँ कंप्यूटर यूज होता हो, ये गलत है. यस, डज नॉट यूज द कंप्यूटर. आप बोलोगे सर इसके बिना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तो आप कंप्यूटर साइंस आप 10th 11th 12th से स्टडी कर रहे हो और इन फ्यूचर भी ये सब आपको काम ही आएगा. अभी आप देखिए पूरे वर्ल्ड के रिच मैन देखिए जिसका बिजनेस एक्सपांड है, वो सब ई कॉमर्स के बिजनेस से रिलेटेड है. सेम यहाँ पर भी वही क्लैरिफाई करें, तो एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री में कंपल्सरी किसका यूज़ करें आपको, ई कॉमर्स का. ध्यान रखना एक बार यहाँ पे अवेलेबल है टैक्स, इसके बाद मैं थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए भी ट्राई करूँगा और इसके लिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसमैन हैं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कंप्यूटर को टच में रहना ही पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स के इनसाइड, ई कॉमर्स प्रोवाइड द मल्टीपल बेनिफिट. कैसे बेनिफिट है, आप अवेलेबल हो सकते हो,
ओके, वो भी कैसे होते हैं, लोअर कॉस्ट में आपको चॉइस स्लॉट मिल सकती है, टाइमिंग भी बचेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट में हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये एडवांटेज है, ओनली फॉर इतनी एडवांटेज है नो, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है। जिसके अलावा यहाँ पे क्या है, जितनी भी ब्रॉडबैंड सर्विस है, जैसे यू ब्रॉडबैंड का केबल है, उसको क्या बोला जाता है, ISP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? आगे वाले पार्ट के अंदर हमने लर्न किया। ISP मींस व्हाट? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ई कॉमर्स की वजह से इंडिया में लॉट्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी लॉन्च होने लगी। आप देखिए लोकल में हमारे यहाँ पे यू ब्रॉडबैंड है, जियो का फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, BSNL कंपनी डे बाई डे इंटरनेट आपको और 3G 4G इतनी गुड स्पीड लो प्राइस में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लर्न कर लिया है, अगेन मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ, कंडक्ट द बिजनेस 24/7। जो रेट पॉइंट किया है वो इम्पोर्टेंट है, मीन्स आपका बिजनेस 365 डे ओपन हो सकता है। नॉर्मल हमारे अभी तक क्या था, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ मैं कंपेयर करूँ ई कॉमर्स का, जैसे एग्जांपल दूँ, मेरी शॉप है, मेरी शॉप के अंदर एक क्या होता है, बिजनेस का टाइमिंग का एक लिमिटेशन आ जाता है। जैसे हो सकती है फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में हॉलीडे कंपलसरी रखूँगा, मेरे वो सेल्स पर्सन है ओके, जो भी मेरे मेंटेनेंस पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है मेरा बिजनेस स्टॉप भी हो जाए ओके। बट यहाँ पे ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। सेकंड, लोअर कॉस्ट। तो उसका मेन रीज़न क्या है, लोअर कॉस्ट का मेन रीज़न क्या था, मैंने आपको ये पहले इन्फॉर्म कर दिया, क्या है, वेरी गुड, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई रेंट पे नहीं करना है ओके, और डायरेक्टली कोई कमीशन नहीं लेना है, डायरेक्टली कस्टमर को हैंड ओवर करना है, तो लोअर कॉस्ट में आपको मिलेगा विद गुड डिस्काउंट, तो कस्टमर अट्रैक्ट भी होते हैं। नो बाउंड्री ऑफ द जियोग्राफिकल लिमिटेशन, मीन्स इसके अंदर हमको क्या क्लैरिफाई करना है, इन्फॉर्म किया था, जैसे आपकी गुड सर्विस है, आप गुड प्रोडक्ट और यूनिक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो आपके कस्टमर कहाँ तक होंगे, हो सकता है आपके एरिया में फेमस हो, इन किस एरिया से ज़्यादा आपके सिटी में फेमस हो, डोंट वरी, गुड सर्विस है सिटी से ज़्यादा आप अपने स्टेट में फेमस हो, बट ऑल कंट्री में फेमस नहीं हो सकते विदाउट ई कॉमर्स, क्योंकि आपकी खुद की एक लिमिटेशन है जाती है, कि फ्रेंचाइजी जैसा कुछ भी कंसेप्ट लाना हो आपको, तो डायरेक्टली लाइकली अभी आपको ई कॉमर्स का ही हेल्प लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विस। आप बोलोगे सर यहाँ से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा, जैसे बिजनेस का भी टाइम ओवर्स होता है, ऐसे क्या होता है, कस्टमर सर्विस का भी टाइम ओवर्स होता है, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं, हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर आप 24/365 में कोई भी ईमेल का यूज़ करके कंप्लेन नोट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इमरजेंसी होता है तो आप डायरेक्टली टेलीफोनिक ओके फ्री कॉल पे आप कॉल करके डायरेक्टली क्लाइंट के साथ या अपने कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, तो ये सब फैसिलिटी ई कॉमर्स के अंदर अवेलेबल है। टीम वर्क का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, ई कॉमर्स के अंदर टीम वर्क मींस व्हाट, यहाँ पे लेस पर्सन पूरा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ पर्सन की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लाइक सेल पर्सन देखिए, मैनेजर देखिए, कैशियर नहीं है, राइट। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमको कंप्यूटराइज तो काम करना है। नेक्स्ट, एलिमेंट द ट्रैवलिंग टाइम एंड कॉस्ट, उसका इन्फॉर्म किया कि ट्रैवलिंग टाइम लेस, जिसे ओके कोई भी कस्टमर है वो आपकी शॉप पे आएगा, उसका टाइम वेस्ट हुआ, ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हुआ, जैसे उसको कंट्री वाइज भी कई टाइम शॉपिंग करने के लिए जाने पड़ते हैं और जाते भी हैं। स्पीड, स्पीड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, स्पीड से डिलीवरी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको होम डिलीवरी चाहिए तो स्पीड इम्पोर्टेंट है, लाइक मैकडी में देखिए आप, पिज़्ज़ा हट में देखिए, वहाँ पे स्पीड का इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो विद इन अ फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट के अंदर ये प्रोडक्ट का, जैसे कस्टमर का ऑर्डर फ्यू सेकेंड में हुआ ऑन द स्पॉट, आपको वो ऑर्डर क्या करना होता है, विद इन अ क्राइटेरिया के इनसाइड वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना होता है, तो यहाँ पे सेकंड का भी इम्पोर्टेंट। आप बोलोगे सर सेकंड में क्या, जैसे मैंने ईमेल भेजा है तो हो सकता है आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई देना पड़ेगा, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, जैसे 108 में कॉल लगाते हो आप, राइट है, वो कॉल है वो डिफरेंट है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉमर्स के अंदर ही बिजनेस है, लाइक जस्ट डायल, आप जस्ट डायल की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, एट द टाइम आपको
वेबसाइट को ऑन द स्पॉट आपको क्या देना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है, वो भी ई कॉमर्स का एक क्राइटेरिया है। ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड द फ्यू बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, हमारे सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसे हमारे सोसाइटी के अंदर हम डे बाय डे इंटरनेट का यूज़ करके हम स्मार्ट बनते जा रहे हैं, ओके, हमारा टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, ट्रैफिक लेस है, और नए नए जो वायरस हैं और जो नए नए बॉडी के पेन्स हैं या कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम हो, तो डोंट वरी, आप घर पर बैठे बैठे सब कुछ ऑर्डर करवा सकते हो। ये मैं एग्जांपल जो थियरी का एग्जांपल दे रहा हूँ वो लिटिल बिट मेरा इसमें थोड़ा एडिशन भी है, आप अपने रेफरेंस बुक में भी एक बार रिफर करोगे तो मोस्टली यही समथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। और मेरा मेन कंसर्न वही होता है आपके माइंड में ये पॉइंट सेट हो जाए, ओके, फाइवर और एमसीक्यू के अंदर आपको पूछे जाए। फर्स्ट, कंडक्ट द बिजनेस 24x7 मींस ये किसका है, एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स के। कि मैं आपको क्यों ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ उसका मैं रीजन आपको इन्फॉर्म करूँ, सेम टू सेम एम कॉमर्स तो नेक्स्ट पार्ट हम लर्न करने वाले हैं, उसमें भी सेम एडवांटेज है। एम कॉमर्स मींस व्हाट, मोबाइल कॉमर्स। यूजिंग ई कॉमर्स बिजनेस कैन ऑपरेट एनीवेयर एनी टाइम, दैट इज अ गुड, आप ऑपरेट कर सकते हो। अभी और भी आई एम एक्सप्लेन, एक्टिविटी डू नॉट रिमेनिंग टाइम बॉन्डिंग, मीन्स उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपने बॉन्ड नहीं किया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्विसेज 24x7 में अवेलेबल है। देखें मैं आप मैंने इन्फॉर्म किया, कस्टमर कैन बी परचेस अ प्रोडक्ट एनी अवर्स ऑफ द डे, जैसे आपको सामने परचेस करने के लिए पर्टिकुलर वही टाइम पे जब शॉप आपकी ओपन हो, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको जब टाइम मिलेगा तब आप काम कर सकते हो, एक्सेप्ट द एनी अवर्स ऑफ द डे। कभी भी ऑर्डर आप ऐड कर सकते हो और मंगवा भी सकते हो और बाय और सेल की एक्टिविटी भी कर सकते हो, दैट इज अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट, पूरा बिजनेस किसके ऊपर चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट का आपको चार्ज पे करना है, इसके बाद आपको क्या किसका लेस यूज करना है, कहाँ पे प्राइस आपको रिड्यूस हो सकता है, मार्केटिंग नहीं करना है, सबसे बड़ा बिजनेस के अंदर मार्केटिंग, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखे होंगे क्रिकेट के बॉर्डर पे जो एडवर्टाइज होता है उसके लॉट चार्ज होते हैं, यूट्यूब के अंदर एक वीडियो के अंदर एडवर्टाइज होते हैं उसके भी लॉट चार्ज होते हैं, ओके, तो ये मार्केटिंग, विदाउट मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स एंड पोस्टपोन एंड प्रिंटिंग, जैसे आपने देखोगे ब्रोशर प्रिंट करना, बड़े बड़े ओके बैनर लगाना, तो इसके लॉट्स ऑफ चार्ज होते हैं। ई कॉमर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सब कुछ कौन करता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट कर देती है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकली स्टोर स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी हमको ई कॉमर्स के अंदर नहीं चाहिए, राइट है, हमको ऐसे स्पेस ऐसे मिनिमम चाहिए, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेगा, इसके लिए रेंट लेस होगा, तो बट वेस लोअर कॉस्ट में भी आप प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो। एज वेल एज उसके अंदर मेन क्या है, बिजनेस के अंदर इंटरनेट के थ्रू एज पर अवर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हो। लास्ट में मैं वही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें पर्सन लेस है, रेंट लेस है, तो बट वेस इंटरनेट का ई कॉमर्स का बिजनेस भी लोअर कॉस्ट में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर भी सेम है, कस्टमर को क्या बेनिफिट है, ओके, आपको लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट तो मिल जाएगी, प्रोडक्ट के साथ आपको क्या मिलेगा, लोअर कॉस्ट, तो दोनों साइड से मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट है। तो देखिए नेक्स्ट, नो बॉर्डर फॉर द जियोग्राफिकल लिमिटेशन, सेम यहाँ पे फिजिकल स्टोर का लिमिटेशन क्या होता है, अपने एरिया तक सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है, व्हीकल के थ्रू या सेल्स पर्सन रखोगे, स्पेशली सर्विस पर्सन के लिए जो पर्सन हायर किए वो भी, उसका भी लिमिटेशन, वो वुमन है, ओके, उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होगा, पर ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। लाइक आप जोमेटो देखिए, ओके, स्विगी देखिए, वो ऑनलाइन ही ऑर्डर दे रहे हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विद इन द ई कॉमर्स बिजनेस कैन रीच आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ द कस्टमर, पूरे वर्ल्ड में उसका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। बट मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो लिटिल बिट एग्जांपल पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से होता है, जिसे आपका माइंड में सेट हो जाए। अगर मैं आपको मेन पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स और उसका भी हम एडवांटेज लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, नो बाउंड्री ऑफ जियोग्राफिकल लिमिटेशन के अंदर दूसरा भी है, आप पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो यूजिंग फॉर वेबसाइट। जैसे मैं मेरे
खुद एक मेरी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मेरी लिमिटेशन क्या होती है, मैं मेरे एरिया तक फेमस हो ऐसा नहीं है। अभी आप वो प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट में ऐड कर दो, इमेजेस ऐड कर दो और पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी ऑर्डर आ सकते हैं। सेम यहाँ पे भी ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, इम्प्रूव द बेटर कस्टमर सर्विस। यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ कर सकते हो, टू वे और वन वे। उसमें आप अपनी क्वेरी है, जैसे एग्जांपल मैं क्वेरी ऑनलाइन आपको प्राइस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, क्वालिटी और फीचर्स के बारे में, सर्विस के बारे में, ओके, आप डायरेक्टली टेलीफोनिक कॉल या मेल के थ्रू ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिल जाता है। कई कंपनी ने क्या किया है, इसका पूरा ऑनलाइन कस्टमर केयर स्टार्ट किया है। वो ऑनलाइन प्रोडक्ट जैसे ही ऐड करते हैं या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, ऑन द स्पॉट उसको ईमेल आ जाता है और पूरे प्रोडक्ट का कैटलॉग भी प्रोवाइड कर देता है विद कलर कॉम्बिनेशन, विद इमेजेस, विद गारंटी वारंटी का कार्ड के साथ। दैट इज अ गुड और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। उसके अंदर भी ऐसे बेटर, यहाँ पे ई कॉमर्स गिव द बेटर एंड क्विकर कस्टमर सर्विस ऑन द स्पॉट। देखो यहाँ पे मैंने इमेजेस में भी बोला, जैसे 5-6% ऑन द स्पॉट कंप्लेन नोट करेगी तो ऑन द स्पॉट सामने वाले मर्चेंट है उसको भी ईमेल के थ्रू उसकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई प्रॉब्लम होता है उसकी कंप्लेन वहाँ पे चली जाती है, वो एक बेनिफिशियल है। अदरवाइज कई टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट परचेस करने के बाद कोई भी आंसर नहीं देता, ऐसा नहीं है। फिफ्थ, टीम वर्क। टीम वर्क के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होगा, ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क टूगेदर। एक सिंपल सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर आता है मोबाइल के थ्रू हो या लैपटॉप के पीसी हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का अलग पर्सन होता है, ये सब कुछ हम एक ही पर्सन ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। लिटिल बिट आपको कंप्यूटर के अंदर फ्यू थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और इंटरनेट अवेलेबल है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल और आपको अपनी इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्स, एलिमिनेट द ट्रैवलिंग एंड कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू ही डायरेक्टली आपको समझा दिया, जैसे ट्रैवलिंग लेस करोगे तो फ्यूल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक कार होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस उसमें मेंटेनेंस भी होता है, बट वे जैसे एक्सीडेंट का प्रॉब्लम रहता है, ओके, इन बिटवीन आप शॉपिंग करने जा रहे हो और आपकी कार या व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हो और लास्ट में आपके प्रोडक्ट की प्राइस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप ही रहती है। द कस्टमर डू नॉट हैव टू ट्रैवलिंग द लॉन्ग डिस्टेंस। आपको अपने कस्टमर कैसे फिजिकली आपको प्रेजेंट रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वही तो ई कॉमर्स का मेन बेनिफिट है। इसमें जो भी स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है, वर्चुअली, और माउस से क्लिक करके वो ऑर्डर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करवा देना है। इसके लिए हमने वेबसाइट भी लर्न किया था, पार्ट 4 के अंदर सेशन नंबर 1 के अंदर मैंने अमेजोन ऐप, ओके, फ्लिपकार्ट उसकी वेबसाइट का एक डेमोस्ट्रेशन किया और कैसे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं उसका भी मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है। सेम स्पीड, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो बट उसमें स्पीड तो ऑर्डर सेंड करने में प्रॉब्लम नहीं है बट डिलीवर करने में भी हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम, बट यहाँ पे स्पीड से ऑर्डर करने का एक मैक्सिमम बेनिफिट है एज पर योर रिक्वायरमेंट। विद इन अ फ्यू सेकेंड में, मैंने पहले भी बोला था, विद इन अ फ्यू सेकेंड में आपको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। देखिए आप मैकी में देखिए, स्विगी में देखिए, आप फ्यू सेकंड में ऑर्डर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली अपने मोबाइल का यूज करके, वेबसाइट का यूज करके। थर्ड पॉइंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन जनरेट द परचेस ऑर्डर एंड सेंड टू द सप्लायर ऑनलाइन विदाउट डिले। जैसे आप देखिए एक टाइम से इमेजिनेशन करिए, हम हमारे स्मार्टफोन या वेबसाइट से स्विगी को ऑर्डर देते हैं तो एक ऑर्डर चले जाता है स्विगी वाले पर्सन जो डिलीवरी बॉय है, एक ऑर्डर की स्लिप वहाँ पे कहाँ चली जाएगी, जो रेस्टोरेंट में हमने कुक को या उसके मैनेजर को भेजा है, दोनों एट द टाइम सेम टाइम पे वहाँ पे टच हो जाना चाहिए। वो रेडी होने के बाद विद इन अ फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट, सेकेंड के बाद क्यों यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फूड ऑर्डर करना है तो बट हॉट फूड ही हम ऑर्डर करेंगे तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो स्पीड मैक्सिमम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो सबके चार्जेस भी डिफरेंट होता है। इसके लिए अभी आप देखोगे तो स्पेशली आउट ऑफ कंट्री में यहाँ पे ड्रोन भी यूज़ किया गया है ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए, जिसे अमेजोन ने सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन किया था। कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए उसने क्या यूज़ किया था, ड्रोन और GPS और GPRS का यूज़ करके प्रॉपर वे में
टाइम टू टाइम डिलीवरी कर रहे हैं और स्पीड से कस्टमर को सेटिस्फिकेशन मिले इसका ट्राई किया हुआ है। नेक्स्ट, सप्लायर कैन बी रिसीव द प्रोसेस द ऑर्डर टू क्विकली। आप फास्ट फॉर्म में ये प्री प्रोसेस कर सकते हो। इसके लिए देखो यहाँ पे उसमें रिड्यूसिंग द शिपिंग टाइम। शिपिंग टाइम इज व्हाट, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, जो प्रोसेस है पूरी साइकिल है वो फास्ट चले, ऐसे कुछ ट्राई करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। लास्ट पॉइंट एट, ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड द फ्यू बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्या बेनिफिट है, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जब ऑनलाइन ऑर्डर कंफर्म होने के टाइम, डिलीवर होने के टाइम आपको आपको कॉल करके वो इन्फॉर्म करेंगे आपको डिलीवर आपके होम में करना है, ऑफिस में करना है, आप जहाँ भी बोलो कि वो डिलीवर करने के लिए रेडी होते हैं। लेस ट्रैवलिंग एंड पर्चिंग ऑर्डर विच फर, ओके, पॉल्यूशन का भी यहाँ पे, ट्रैफिक के रूल्स का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हम लॉकडाउन के टाइम की बात करें, ऑर्डर तो सेम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ई कॉमर्स का बिजनेस ही मैक्सिमम चल रहा था। हेल्थ केयर का भी इम्पोर्टेंट है, जैसे फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको वो प्रोडक्ट के बिना चलता ही नहीं है, वो सर्विसेज आपको चाहिए, तो हेल्थ केयर के लिए भी ई कॉमर्स बेनिफिशियल है। डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी इसकी लॉट डिमांड है। बेस्ट एग्जाम्पल, आप अपने घर पे बैठा हो, ओके, मैं मेरे घर से या स्कूल से लेक्चर आपको ये वीडियो लेक्चर बना के दे रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठे बैठे डिस्टेंस लर्निंग और एजुकेशन ले रहे हो, तो ये सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका पार्ट है, ई कॉमर्स का। आई होप सो आपको मेन पॉइंट क्लैरिफाई हो चुके हैं। फर्स्ट एडवांटेज कौन सा था याद करिए, कंडक्ट बिजनेस 24/7। सेकेंड एडवांटेज, लोअर कॉस्ट। थर्ड, नो बाउंड्री और जियोग्राफी लिमिटेशन। नेक्स्ट, इम्प्रूव बेटर कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट, टीम वर्क। नेक्स्ट, एलिमिनेट द ट्रैवलिंग टाइम एंड कॉस्ट। एंड नेक्स्ट, स्पीड। और लास्ट में, ई कॉमर्स का वजह से हमारी सोसाइटी में क्या बेनिफिट होता है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट right? तो ये हुआ उसका मेन, फाइनेंशियल से लेके, मनी से लेके, हेल्थ के रिगार्डिंग से, जो हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो भी होते हैं। तो हमने ये सेक्शन के अंदर क्या लर्न किया, एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या लर्न करने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच।